नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस की महारैली से। हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस की बड़ी महारैली हुई। इस महारैली के दौरान प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पार्टी के कई बड़े नेताओं ने न सिर्फ जनता के मुद्दे उठाए बल्कि जनता को जागरूक भी करने का काम किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से कुछ सवाल भी पूछा। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि मोदी सरकार केवल अपने 7 साल के कार्यकाल का सवाल के जवाब दे दे कि उन्होंने इन 7 साल में क्या किया है। और प्रियंका गांधी कह रही है कि जनता भी जानना चाहती है कि इन सात साल में मोदी जी ने किस तरह से जो है जनता की बात की, क्या जनता के लिए काम किया। तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक ही देखा जा रहा है कि जनता के लिए कोई भी काम मोदी सरकार नहीं कर पाई। और यहाँ पर जनता की बात ना करके ही ये अब पता चल रहा है कि सरकार जनता की बात नहीं करती है बल्कि अपने वोटों की बात करती है, वोटों की राजनीति करती है। और आज इसीलिए जनता ये समझ चुकी है कि किस तरह से एक बहुत बड़े अंतर से इस बार बदलाव करना है। और फिलहाल अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी ने महारैली के दौरान जो जो सवाल बीजेपी से पूछे उनके किसी सवाल का जवाब इस वक्त बीजेपी नेता नहीं दे पा रहे, क्योंकि सरकार ने यानी मोदी सरकार ने कोई काम किया ही नहीं है। और सरकार ये बात जानती है कि वो किसी सवाल के जवाब नहीं दे पाएगी, इसलिए आज सरकार चुप है। आज के लिए तो ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।